आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हनान फातिमा, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज सुबह लगभग 11:30 और 12 के दरमियान में अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल के बिल्कुल करीब में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जिसमें सिराज नामी शख्स जो स्टील स्क्रैप की शॉप रखता है, उन्होंने कुछ कटिंग का काम करे थे, अचानक उसमें एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से वो सभी झुलस गए। जैसे ही इत्तला मिली हमने मुकामी वारदात पर पहुंची और मुकामी आवाम के साथ हमने इन्हें गांजा अस्पताल में शिफ्ट किया और डॉक्टरों से बातचीत की, तो डॉक्टर ने दिया कि 48 आवर्स तक हम ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उसका ट्रीटमेंट जारी है। मैं आज के इस हादसे के मसले पर अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला जनाब सिराज साहब को जल्द से जल्द सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए। और साथ ही साथ मैं जो स्क्रैप के कारोबार कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, इल्तिमास है कि मजीद मुस्तकबिल में ऐसे हादसात ना होने के लिए एहतियाती इकदाम करें, ताकि भोलोपुर की सरजमीन पर ऐसे हादसात की रोकथाम हो सके। मैं दीगर हजरात से भी अपील करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी कारोबार कर रहे हैं वो एहतियात से काम करें, ताकि इस कदर जानलेवा हादसा पेश होने ना पाए। मैं फिर एक मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सिराज साहब को जल्द से जल्द सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा।